छत्तीसगढ़ राज्य प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इस राज्य का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी हुआ है। वैसे तो कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और एनर्जी और स्टील का उत्पादन करने वाला ये भारत का एक प्रमुख राज्य है। आज छत्तीसगढ़ अपने मंदिरों और झरनों की वजह से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो खुद छत्तीसगढ़िया लोग भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कोसा सिल्क टसर रेशम की एक किस्म है। ये अपनी बनावट और रंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ के कोरबा और चंपा में अर्जुना साल और साजा के पेड़ों पर लगे कोकुन से किया जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ आदिवासी आबादी की बहुलता वाले राज्यों में से एक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मिलाकर पूरी जनसंख्या का 50% बनाते हैं। तीसरा, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उपयोग छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है। जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां इस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है। अब तक इसने 200 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जान बचाई है। चौथा, बस्तर जिले में एक घोड़े की नाल के आकार का झरना है। इसे भारत का निर्गागा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी संरचना के कारण यह अधिक चौड़ा दिखाई देता है। पांचवा, भारत का सबसे बड़ा स्टील उद्योग छत्तीसगढ़ में है, जो पूरे भारत में उत्पादित कुल स्टील का 15% हिस्सा छत्तीसगढ़ में बनाता है। छठवां, छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री को चॉलीवुड कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से स्थानीय फिल्मों का निर्माण किया जाता है। सातवां, कबीरधाम जिले में स्थित भोरमा देव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास नागवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। अपनी कामुक मूर्तियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। आठवां, पांडावनी छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली है। इसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। नौवां, कहा जाता है कि वर्तमान मार्ग जहां से भगवान राम अपने निर्वासन के दौरान गुजरे थे, वह रतनपुर से रामोरम तक फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। दसवां, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। लोग स्थानीय देवता माँ दत्तेश्वरी की पूजा करते हैं और यह त्योहार 75 दिनों तक चलता है। ग्यारहवां, छत्तीसगढ़ में जलजली एक अनोखी जगह है, क्योंकि यहाँ कोई कूदता है तो यहाँ भूकंप आ सकता है। बारहवां, संगीत और नृत्य को समर्पित भारत का पहला विश्वविद्यालय इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के खौरागढ़ में स्थित है। तेरवां, देवरानी जेठानी मंदिर छठी रुद्र शिव की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो विभिन्न जानवरों और कीड़ों का एक कलात्मक संयोजन है और इसके शरीर पर कई मानव चेहरे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने छत्तीसगढ़ के बारे में कई सारी नई चीजें जानी होंगी। अगर सच में ऐसा है तो उस लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और इस अविश्वसनीय राज्य के आकर्षण को दुनिया के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाते रहिए।